पेड़ों से, पौधों से, लताओं से, पशु पक्षियों से रो रो के पूछते हैं, किसी ने मेरी सीता को देखा है क्या? भगवान क्या बताना चाहते हैं? वो ये बताना चाहते कि जीवन में जो आपकी जीवन संगिनी है ना, उसको हद से भी ज्यादा स्नेह करो, प्रेम करो, और ना केवल प्रेम करो बल्कि प्रेम को अभिव्यक्त भी करो। प्रेम हमेशा अभिव्यक्ति की मांग करता है, खामोशी ही नहीं। पूरे रामायण की कथा पर जब विचार करेंगे ना, तो उसका प्रभाव राम जी के जीवन पर, सीता जी के जीवन पर नहीं पड़ा, उसका प्रभाव समाज पर पड़ा है। परमात्मा ब्रह्म है, वो तो सब लीला कर रहे हैं, लेकिन उनकी लीला को सुन करके, पढ़ करके, समझ करके हमें जीवन जीने के लिए एक ढंग प्राप्त होता है। अपने भक्त से भगवान इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसका उदाहरण सबरी के जीवन की कथा से साफ साफ झलक जाती है। सीता माँ का हरण हो गया है, पर जब उनको पता चलता है सीता माँ के खोज क्रम में कि मार्ग में सबरी रहती है, तो जानकी माँ की खोज को विराम देकर सबरी के आश्रम भगवान श्री राम जाते हैं।